कुछ खोल दे, the key to the city. इस शहर का मेयर मेरा धोखेबाज भाई खुद को बहुत चालाक और समझदार समझता है. अब मैं उसे समझाऊंगा कि असल में चालाक और समझदार मैं हूँ. वाओ, कितना जल्दी कर रहा है. ये बिल्कुल बदल गया है. हाँ, पर उसे ये सब दीवार पर नहीं लिखना चाहिए था. बहुत अच्छा लग रहा है. अपने नए तेज दिमाग के साथ मैं नए नए सुपर स्मार्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ. शाबाश. उनमें से कोई खास है? क्या है, जानते हो हमें अंतरिक्ष में देखने से जो चीज सबसे ज्यादा रोकती है वो है हमारा वातावरण. वो धूल में से देखने जैसा होता है. तो अपने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को और असरदार बनाने के लिए मैं पृथ्वी के सारे वातावरण को लूंगा और उसे चांद पर भेज दूंगा. एक बार फिर से. मेरा दम घुट रहा है. मैं उसके बारे में सब सोचूंगा जब आप पहुँचे. बलजीत, अगर वातावरण ही नहीं होगा. ये बहुत आसान है. मैं एक आयन कपलिंग डिवाइस की मदद से हर एक एटमोस्फियर एक मॉलिक्यूल को ग्रेविटी के दूसरे सबसे बड़े स्रोत की तरफ आकर्षित कर लूंगा, जो इस मामले में चांद है. और शुरुआती टक्कर के बाद वो कण उछल कर लूनर ऑर्बिट में चले जाएंगे. हे बलजीत, मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, पर जो कहना है जल्दी कहना. वो हम सोच रहे थे कि तुम्हें बताएं कि पृथ्वी का वातावरण चांद पर पहुंचाना ठीक नहीं रहेगा. तुम नहीं चाहते कि मैं जीवन में कुछ करूं? वैसे हमें लग रहा है कि तुम्हारी इस मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई सांस ही नहीं ले पाएगा. साइंस नहीं रुक सकता है. ओके थैंक्स ब्रेन बूस्टर. अब लग रहा है वो अच्छा आइडिया नहीं था. कभी कभी तेज दिमाग समस्याएं खड़ी कर देता है. मुझे करंट लगा. हाँ, वो तो लगेगा ही. इस तरह तुम जैसे नासमझ लोग मेरे काम में दखल नहीं दे पाएंगे. मुझे ही रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. लगता है मैं इस जन्म में कॉलेज नहीं जा पाऊंगी. हमें कैसे भी उस टावर में जाना होगा. कोई आइडिया है? वो की टू द सिटी समारोह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो क्यों ना हम आओ. जानते हो, मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैंने सफेद लैब कोट पहना है और मैं काले टायर के सहारे बैठा हूँ, तो शायद कपड़े बदलने पड़ेंगे. शायद हम सबको एक ही औजार लेकर उस चारों दिशाओं से हमला करना चाहिए. बलजीत बहुत समझदार है, वो हमारे चार को समझ लेगा. जो करना है कर लो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ. अब मुझे पृथ्वी का वातावरण छीनने से कोई नहीं रोक सकेगा. उसके बाद हम सब कुछ साफ देखेंगे. वो पहले भी समझदार था, पर अब तो सुपर जीनियस हो गया है. हो सकता है अपनी तारीफ सुनकर वो हमारी बात मान ले. रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं. तक कोई भी ऐसी चीज होगी जो उसकी समझदारी की भूख को शांत कर सकेगी. चलो दोस्तों, उस एटमॉस्फेयर डिवाइस पर हमला करने का वक्त आ गया है. वो हर हाल में धोखा खा जाएगा. बिल्कुल. फालतू में हमने उसे वो हेलमेट दिया. जेट पैक्स, मुझे लगा तुम लोग लकड़ियां और कागज के पुतले अच्छी कोशिश पर कामयाब नहीं होंगे. संभल के जाना जो जाओ, मेरी नजरों से लापच पाऊ, और मैं हूँ एक शातिर देखू. सारी दुनिया के सीक्रेट्स मेरे भेजे में, तुमसे कुछ होगा नहीं. मैं तोड़ू तारों को या फिर रॉकेट बना के छूने जाऊँ मार्स को. अब लेना तुम जरा भाग, तुम हो छेड़ रहे बड़ा दिमाग, छेड़ रहे बड़ा दिमाग. लगते हो भी बिल्ली और कहते हो तो शेर, पागल हो तुम सारे लोग. अब मैं तुमको कर दूंगा ढेर, सीधे से मानो या कटे.